आपको एक कहानी सुना दूं गधे और बैल की। जमींदार के घर बैल था, सामने वाले घर में धोबी रहता था, उसके पास था एक गधा। एक दिन बैल गधे को मिला, बोला, भाई तेरी हालत मेरे से देखी ना जाए, सुबह सुबह मेरे को खाना मिलता है, तू भूखे पेट, मुझे मान मिलता है, तेरे को गाली पड़ती है, काम करने मैं भी जाता हूँ तू भी जाता है, तेरे पे इतना बोझा और तेरे को पड़ती है मार। भाई ऐसे रहा ना जाएगा, तू भाग ले यहां से। गधा चुप। बैल ने बोला, डर लग गए? ऐसा कर, रात को मैं तेरी रस्सी काट दूंगा, तू भाग लिए। गधा फिर चुप। बैल ने कहा, क्या बात, मैं गलत बात बता रहा हूं ना? तो बैल ने कहा, तो फिर भाग क्यों नहीं लेता? अब गधे ने मुंह खोला, बोला, भाई तू सारी बात ठीक कह रहा है, पर तेरे को पूरी कहानी पता नहीं। दिन में सब होता है मेरे साथ ये, लेकिन रात को धोबी आता है, मेरे पैर पकड़ लेता है। आप समझ गए ना क्या कर रहा है? धोबी रस्सी बांधने आता है उसके पांव में। तो गधा बोला, रात को धोबी आता है, मेरे पांव पकड़ लेता है, मैं कहता हूं जा, माफ किया। अब आप समझे किसकी कहानी है ये कहानी में धोबी कौन है? नेताजी। और गधा कौन है? आप और मैं। ये कहानी है हिंदुस्तान के वोटर की, मेरी और आपकी। 5 साल तक वोटर नेताजी के पीछे घूमता है, एमपी साहब की कोठी के चक्कर लगाता है, दरवाजे से भगा दिया जाता है, अंदर घुस जाए तो राव साहब की डांट खा के आता है। 5 साल के बाद नेताजी आते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, पांव पकड़ लेते हैं और वोटर कहता है, जा माफ़ किया, 5 साल और। एक बार, दो बार, इस बार तो तीसरी बार हो रहा है। बस एक फर्क है, रस्सी का रंग बदल गया है। आपको और मुझे इस रस्सी का रंग पहचानना है। इस बार आपको और मुझे सोचना है, क्या इस बार फिर हम अपने पांव बांधने देंगे? जिताना है इस बार आम आदमी।